ये जी अपना ग्रैंडी है 2016 मॉडल, तो ये पुरानी की में है। तो इसको जो है ये प्रॉब्लम एक आया हुआ है, तो इसको जैसे ही हम मतलब ये पार्किंग में है, जैसे ही हम इसको रिवर्स में लेके आते हैं तो ये ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम फिर ये ड्राइव में लेके जाने की कोशिश करते हैं, न्यूट्रल से गुजरते हैं, न्यूट्रल पे आते ही गाड़ी बंद हो जाती है। ये देखें, ये गाड़ी बंद हो गई है। आपको दोबारा करके दिखाते हैं। ये अब पार्किंग में की है हमने दोबारा, ये गाड़ी हमने स्टार्ट की है, देखें दोबारा। तो अब हम इसको मतलब ये रिवर्स में लेके आए हैं, ठीक है। और जैसे ही हम फिर दोबारा ड्राइव पे डीप पे आएंगे, तो जैसे ही ये एन क्रॉस करेगी, गाड़ी बंद। तो उसके बाद हमने इस गाड़ी को दोबारा जो है स्टार्ट किया, तो ये देखें अब चेक लाइट आई हुई है। तो इसको दोबारा अगर हम न्यूट्रल पे लेके जाएंगे तो ये फिर गाड़ी बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने इसको जो है अपना स्कैनर जो है वो लगाया, तो उसमें जो इसके एरर कोड आए हैं उनमें थ्रॉटल बॉडी का आया है, और भी काफ़ी सारे जो है ना कोड आए हैं। तो उसके बाद हमने इसकी थ्रॉटल बॉडी को चेक किया, वो हमने चेंज करके देखी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मुख्तलिफ कोड जो है ना काफ़ी सारे आ रहे हैं। वो सारे सारी चीज़ें हमने चेक की, वो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। तो फिर इसका हमने जो है कंप्यूटर चेंज करके देखा, सेम मतलब यही मॉडल का हमारे पास अवेलेबल था, हमने वो चेंज किया, तो उसके बावजूद जो भी है जो गाड़ी वैसे की वैसे थी। उसके बाद हमने इसका जो शिफ्टर होता है, गियर शिफ्टर, उसको जो है वो हमने उसका जैसे ही ग्रिप निकालते हैं तो गाड़ी मतलब ठीक हो जाती है। और लेकिन जाहिर है उसको निकाल के तो गाड़ी फिर चला नहीं सकते हम। उसके बाद हमने इसकी मुकम्मल जो है वायरिंग जो है वो चेक की है। मुकम्मल वायरिंग चेक करने के बाद किदां वैस भाई, हुण सही आ, हुण सही कर दे पे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सही हो जाएगी हुण। वैस भाई चेक कर रहा वा साहब, अल्लाह रखा लग्या पिया इहनू बनाउण वास्ते, इंशाल्लाह बन जाएगी, फिर दिखाने की होया। नुक्स असीं लभी बैठे हाँ भाई, वैस नूं भी सदी बैठे हाँ माशाल्लाह चैकिंग वास्ते, गरंटी दा मास्टर आदमी आ। उसके बाद हमने जो है इसकी मुकम्मल वायरिंग, ये देखें, हमने ये गाड़ी को मुकम्मल जो है ना इसको हमने खोला है, इसकी हर चीज़। उसके बाद हमने एक एक जो है इसकी वायर चेक की है, तो वायर चेक करने के बाद सबसे जो है हमें जो इसका प्रॉब्लम निकला है वो इसमें निकला है, ये जो डिवाइस है। तो इसको हमने मतलब फिर रिपेयर किया है, और रिपेयर करने के बाद आप देखें ये गाड़ी मतलब बिल्कुल ओके है। तो ये उसके बाद देखें हमने इसको ये कैसे रिपेयर किया, कैसे सेट किया, फॉल्ट को कैसे दूर किया, ये आप देखें। ये बल्ब लगाया भाई, आ देखो आ तार है जी, आ तार देखें। ये देखें आप इसको हमने मतलब कैसे फॉल्ट को दूर किया, पूरी गाड़ी खोलनी चाहिए, और ये पूरी गड्डी खोल, ये देखें हमने क्या क्या चीज़ें इसकी मतलब ओपन की हैं। हुआ है ये वायरिंग नीचे से सारी खुली हुई है, ये देखें पूरी गाड़ी खोल के चेक कर ली, ये देखें ये पूरी गाड़ी को जो है हमने एक एक वायर खोल के चेक की है। उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये अब आपको दिखाते हैं कि गाड़ी फॉल्ट दूर करने के बाद कैसे ठीक हुई, आपको चेक करवाते हैं। गाड़ी को हमने स्टार्ट किया, इंजन स्टार्ट हो गया, और ये आप चेक करें, चेक लाइट भी ख़त्म हो गई है, और बाकी भी आपको चेक करवाते हैं। हमने रिवर्स में डाला, ये गाड़ी रिवर्स में हो गई, हमने थोड़ी सी ये रिवर्स की, और उसके बाद ये देखें ये गाड़ी न्यूट्रल में आई है, ये न्यूट्रल में, और फिर हम ड्राइव पे आ गए, और ये गाड़ी बिल्कुल जैसे पहले थी बिल्कुल ठीक हो गई है। ये गाड़ी आप चेक कर सकते हैं उस्ताद जी, पूरे बक्सा ही खोल दिता। हाँ जी, फाल नहीं सी सोजी लबना, फाल नहीं लबना भाई, पूरी गड्डी खोलनी पै गई है। मैंने हाँ जी,
ये पूरी वायरिंग एक दफ़ा हमने खोल के चेक की, एक एक तार को खींच के। उस्ताद अल्लाह रखे ने ना एक एक तार को खींच के चेक किया है कि ये किधर फॉल्ट है, और फॉल्ट हमें इधर मिला बस एक जगह पे आके। ये एक तार लगानी पड़ी है, और ये गाड़ी माशाल्लाह वीआईपी हो गई। अभी हम रेसें लगाते आए हैं इसको ऐसे ही जैसे है, और गाड़ी अभी जो है माशाल्लाह फिट कर रहे हैं इसको, फिट हो जाएगी फिर आपको इसको चला के दिखाएंगे कि कैसे हो गई। अभी ये स्कैनर वकैनर लगा हुआ है हमारे पास इसमें, और अभी स्कैनर भी क्लियर हो गई गाड़ी, और चलने में भी माशाल्लाह वीआईपी हो गई। तीन दिन हो गया आज इस गाड़ी को लगे हुए, तीन दिन हो गए सानू उस्ताद साहब ने सारी गड्डी पट दे नू। ते जिते सिते साडे दोस्त ही ना रहंदे इलैक्ट्रीशियन सारे इहदे नाल घुल गए। ते फोन तो पता नहीं असीं कित्थे कराची तक घुमाते। चलो माशाल्लाह गड्डी ठीक हो गई है साडी। अजय लगे हुए हैं काम करन, फौज ही लगी पई है माशाल्लाह। माशाल्लाह हमारी गाड़ी को हम चेक करने जा रहे हैं, अभी दुनिया पर शहर के अंदर ही हैं, बाहर निकल रहे हैं। इसको अभी मसले आ रहे थे पहले, इसमें एक तो झटका था जब गियर चेंज करते थे तो, और दूसरा ये गाड़ी एन पे और पी पे बंद हो जाती। उस्ताद अल्लाह रखा लगा रहा है तीन दिन, और मशवरे भी करते रहे हैं और गाड़ी भी बनाते रहे हैं। अभी माशाल्लाह जो देख सकते हैं कि बड़ी वीआईपी गाड़ी चल रही है, चलने में तो कोई मसला ही नहीं है। उस्ताद अल्लाह रखा भी साथ बैठा है, और हम गाड़ी चेक करने निकले हैं। इंशाल्लाह अभी इसको मैनुअल भी चला के देखेंगे कि ये मैनुअल कैसे चलती है और ऑटो कैसे चलती है। ये आ गई पहले गियर में गाड़ी, अभी हम इसको मैन्युअली चलाएंगे। ये देखें अभी मैन्युअल चल रही है गाड़ी, ये भी सात नंबर गियर में आ गई, सेवन स्पीड गाड़ी है। चला रहे हैं इसको, रास्ता मिल नहीं रहा, जो भी रास्ता मिलेगा फिर भी जाएगी गोली की तरह। ये देखे सारे गियर लगा रही है इसने, बिल्कुल मैनुअल, और वीआईपी ये चल रही है। अभी हम इसको ऑटो पे चलाएंगे, डीप है तो डी पे करेंगे, और इधर इधर मीटर भी बताएगा। और ये देखें अभी जो माशाल्लाह पैसे मारने के लिए तैयार हो गई गाड़ी,
जो कहें वो करते हैं। हिसाब से तो हम ओवर स्पीड जा रहे हैं, जैसे जितना हमारा रोड है जितना इधर रश है, कोई पता नहीं किधर से बंदा निकला है या कोई चीज निकला है, इसलिए हम इसको तो बस इधर तक इसको रेस लगा के देखेंगे कि ये कैसे चलती है। गाड़ी तो मेरे ख्याल 200 आराम से क्रॉस करेगी, लेकिन हमारा रोड नहीं है हमारे पास इतना, मोटरवे पे होते तो 200 से ऊपर चलाते इसको। अभी इंशाल्लाह वापस जाएंगे अपने वर्कशॉप, तो इंशाल्लाह फिर आपको ये वीडियो अपलोड करेंगे जो बना रहे हैं आप दोस्तों के लिए, जो वीडियो बना रहे हैं हम। उस्ताद अल्लाह रखे ने भी बड़ी मेहनत की थी है उस्ताद जी। उस्ताद अल्लाह रखे तो धुआं कढ़दा ने। बारों ना दोस्तों की भी मेहरबानी है भाई, जिन्होंने सानू मशवरे दिते आ, जिन्होंने साडी हेल्प की आ। मैं तो अल्लाह रखे अपनी जिंदगी दे विच ना कंप्लीट बंदा देखिया नहीं कभी, कोई कंप्लीट हो ही नहीं सकता, समझ आई ना। बाकी जिंदगी आ जिनी दे रहे एवं ही गुजरनी आ, दुख लभ लभ के खुश हो गए। माशाल्लाह गड्डियों पे आज गोली तरह हो गई। माशाल्लाह हमारा जो बोर लगा हुआ है रिमजार खां भावलपुर लोधरा, और ये कराची रोड है, जब खाने वाल से भावलपुर कह सकते हैं या कराची रोड भी कह सकते हैं, भावलपुर रोड भी कह सकते हैं। कितने जी भावलपुर रोड कहते हैं, वाल से भावलपुर रोड। ये आप दोस्तों के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसका हमने दूसरी गारंटी के साथ कंप्यूटर भी बदल के देख लिया, थर्टर बॉडी बदल के देख ली, शिफ्टर बदल के देख लिया, फिर ईसीएम में रोला निकला इस समय, ईसीएम थोड़ा सा रिपेयर हो गया, बस गाड़ी फे भी हो गई। वो भी उस्ताद अल्लाह रखे ने ढूंढा है रोला। किधर था जी बंदा, तो ये गाड़ी आज प्रचार कर रही थी। मैं रोटी चंगी ना लगे उस जी, मैं क्या यार इन की हो गया है, वो अपना कराची वाला बेली कहता गेयर सड़ गया है। मैं क्या कोई मोमबत्ती जड़ी सड़ गई यार, साल तू भी पता बंदा भी मोहम्मदी तो नहीं ना गड्डी यार, नहीं तू भुक्की भोलियां गल कर रहे। बहरहाल दुख सारे नु पहली बारी लग्या, जिन 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 नाल भी मशवरे किए ना, वो कहना भाई मैं पहली बारी सुन रहा तेरे को, इस तरह भी गड्डी हो जाती है। आप पहली दफा देखा
लेकिन फिर खुश सारे हो जो आप सारे मैं जिन्हें जिन्हें डिस्कस करता सी ना सारे दसिया कि भाई असि निकल गए रोले चो हाँ फिर खुश सारे हो क्या ही बात है यार क्या ही बात है एक मसाल है दूसरी गरंटी अपने को ना होंगी फिर नहीं पर रोले चो निकल सकते फिर वक्त वक्त लगता खराब कुछ भी नहीं गर्मी ना लग रही अमर कि गर्मी ना लग रही हो मेरी रात नींद बड़ी प्यारी आई है उस्ताद जी कसम है बस मैं पजा भजो के ना सुते बड़ा मजा आया मैं दिल खुश हो गया यही बात पहले भी इनू चलने से कोई मसला नहीं सी बस जो इन एन च पी च पाते बंद हो जाते एवं ना हाँ चलती तो पहले भी बिल्कुल सही सी बस हूँ यह है कि एन आले पी आले रोले च भी निकल गए बहरहाल उसा जी जे अपने को एक्स्ट्रा गड्डी ना होंगी तो फिर ना अपना थोड़ा ज्यादा ज्यादा कपड़ा ज्यादा पता नहीं किन्ने दिन खोल दे क्योंकि अपनी वो चीज़ तो खराब ही कोई नहीं सी जो चीज़ ही नहीं खराब फिर घुलना कि एवं घुली जा रहे है ना इस पास तो अपना जेन ही नहीं जाना सी ना पार्किंग में ये मैनुअल ऑटो मीटर दा चल माशाल्लाह जी मुबारक हो उस्ताद जी मुबारक हो।